मुख्य रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए हाईटेक थर्मल स्क्रीनिंग मशीन इंस्टॉल की गई है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह मशीन ऑटोमेटिक यात्रियों की बॉडी का टेम्परेचर लेगी। इसके साथ ही यात्री की तस्वीर भी कैमरे में कैद हो जाएगी। यदि बॉडी टेम्परेचर अधिक निकला तो अलार्म बज उठेगा, जिसके बाद यात्री की मेडिकल जाँच की जाएगी। प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर यह व्यवस्था शुरू की गई है। आने वाले दिनों में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर भी इसे इंस्टॉल किया जाएगा। रेलवे स्टेशन और वहां आने जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से भी मशीन काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इसके जरिए एक एक यात्री का डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, यात्री कितने बजे आया और कितने बजे ट्रेन में सवार होकर कहां गया है, इसकी भी जानकारी सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए और कैमरे में अपना टिकट पैसेंजर दिखाएगा और उसके बाद टेम्परेचर उसका चेक किया जाएगा, उसके बाद उसकी एंट्री होगी प्लेटफॉर्म के अंदर। कैमरे द्वारा टिकट चेक? हाँ, कैमरे द्वारा टिकट चेक होगा उसका। ये कोरोना की बीमारी को देखते हुए जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के जो आदेश हैं, उसके लिए सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा एक छोटा सा कंट्रोल रूम यहाँ 6 नंबर पर बनाया गया है। इसमें आपको टिकट जो है, आप एक कैमरा लगा, उस कैमरे के सामने आप खड़े हो जाएंगे तो आपकी ऑटोमेटिक फ़ोटो हो जाएगी। वो आपको बाहर से ही आपको फ़ोटो अपना टिकट का दिखाना है, उसकी भी फ़ोटो हो जाएगी। वहीं साथ में एक और कैमरा लगा है जो आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है, और साथ में आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड हो जाएगा। ये सारा डाटा जो है कंप्यूटर में स्टोर होता जाएगा। इससे ये आसानी हो जाएगी कि पहले डाटा स्टोर करने के लिए हाथ से मैनुअल काम करना पड़ता था, अब ये कंप्यूटराइज हो गया है तो कुछ भी हाथ से करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आदमी आके कैमरे के सामने खड़ा होगा, उसका पूरा डाटा जो है उसके अंदर स्टोर होता चला जाएगा। तो इससे भविष्य में यदि कोई सस्पेक्ट मिलता है तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री उसके कॉन्टैक्ट में है लोगों का आसानी से पता लग सकता है।